हेलो बच्चों, मैं दूसरा सवाल लेकर तुम्हारे दूसरी क्लास सामने लेकर आया हूँ। इसमें बेटा यही आंकड़े दिए हुए हैं और ये सवाल है, उनके ऊपर पांच अलग अलग। बेटा फिर दोबारा देखना पड़ेगा परसेंटेज कितने के बराबर है। आप बोलोगे भैया 14, 8, 22, 22 और 20 42, 42 और 28 बने बेटा 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, 100% के बराबर ये बेटा सवाल है वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद बेटा पहला सवाल देखो, अभी यहाँ पे बोला गया है यदि मासिक आय का मतलब यानी कि बेटा महीने की जो हमारी सैलरी है वो 50,000 है तो ईंधन पर कितना व्यय हुआ है। बेटा 50,000 यदि हमारे महीने के आ रहे हैं, ईंधन पर हम खर्चने में बेटा 20% यदि खर्च कर रहे हैं तो सवाल में बोला गया है बेटा 50,000 हमारे महीने की आय है बेटा, और 20% का मतलब यह है कि फ्रैक्शन बनेगी 2/10। यही बात होगी या नहीं होगी बेटा, आप देखो इस बात को समझो बेटा। 20% का मतलब क्या है, यानी कि 20/100 होता। देखो बेटा बनगी नहीं बनगी फ्रैक्शन 2/10। यदि बेटा अब मैं यहां से काटूं, 2 × 5 = 10 है बेटा, क्या फ्रैक्शन बनेगी बेटा 2 × 5 = 10। और बेटा यदि मैं इससे काटूं, इसे कितनी बार जाएगा सीधा सीधा हमारा 5 × 50 और 3 0 बेटा पीछे के पीछे ऐसी के ऐसी आगे। पहले सवाल का आंसर हमारा क्या है बेटा, 10,000। समझता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्लियर है बेटा पहला सवाल। दूसरे सवाल पर आओ बेटा। दूसरा सवाल क्या कह रहा, दूसरा सवाल कह रहा है बेटा यदि मासिक आय 65,000 रुपये हो तो घरेलू सामान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय के मध्य कितना अंतर होगा बेटा। बेटा किसमें पूछा गया है, घरेलू सामान। घरेलू सामान बेटा 28% है और कपड़ा है बेटा 20%, दोनों के बीच अंतर कितना हुआ 20 और 28 बेटा 8, यही परसेंट में होगा या नहीं है। समझ रहे हो बेटा इस बात को या नहीं, 8% है तो बेटा हम यहाँ पे सीधा 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 सवाल में 8% की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं। आप कहोगे भाई बहुत सीधा हम सवाल यहाँ पर कर सके हैं कि भैया 65,000 रुपये हम कमा रहे हैं यदि, और उसने बोला है घरेलू सामान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय के मध्य कितना अंतर है। घरेलू सामान की बेटा वैल्यू 28% और कपड़े पर व्यय हो रहा 20%। आप बोलोगे भैया 8% इन दोनों का अंतर है, कितना अंतर है बेटा 8%। बेटा यदि हम इनकी वैल्यू निकाले यहाँ पर सीधा सीधा, आप बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म हुई, बिल्कुल हो जाएगी बेटा। यहां पे कितनी बार गया बेटा 4 बार, और यहां पे 2 से गया भी 4 बार, 2 × 8 ये गया 2 × 5 = 10। 5 से यदि बेटा मैं से काटूं कितनी बार जाएगा 13 बार, 00 पीछे आ गए बेटा ये जो बची हुई है बेटा 13 × 4 = 52, यानी कि सवाल का आंसर क्या हुआ बेटा 5200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बेटा करेक्ट आंसर है 5200। क्लियर है बेटा इतनी बात, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सॉरी ए ए पे था बेटा। बेटा सवाल है तीसरा, यदि प्रति माह 2400 की बचत की जाए तो घर की मासिक आय क्या होगी। बेटा इस बार बचत ही दे दी डायरेक्ट इसने, और बचत कितने परसेंट के बराबर है, 10% के बराबर। बेटा यदि बचत हमारी 2400 रुपये है और ये 10% के बराबर है बेटा, कितने के बराबर है 10% के, तो बेटा किसी की भी सैलरी जो होती है वो 100% होती है। क्या होती है बेटा 100%। यदि ये 10% के बाद 10% की फ्रैक्शन क्या होगी बेटा 1/10, यानी ये कहना चाह रहा 1 हमने बचत करी है और 10 हमारी सैलरी है बेटा, यानी कि 10 जो है बेटा 10 का फ्रैक्शन देखो हमने कैसे बनाया बेटा 1/10, 10 ऊपर रखते 100 बटे में फ्रैक्शन बनेगी ना बेटा 1/10, यानी कि 1 हमारी यहाँ बचत है, 10 हमारी टोटल सैलरी है। तो बेटा यदि मैं इस 10 को ही इधर ले जाऊंगा, या तो बेटा परसेंटेज में ले जाऊं या फ्रैक्शन में ले जाऊं, बात सेम ही है। यदि मैं इधर 10 ले जाऊंगा सैलरी, ये हमारी बचत है ना, ये भी बचत है, बचत को बचत से भाग करूंगा बेटा, और मुझे निकालनी है सैलरी। सैलरी कितनी हो बेटा 100 पूरी। देखो फिर दोबारा इससे काटा, बन गई ना वही 1/10। अब बेटा मुझे आप एक बार बताओ, इससे काट दिया मैंने और इसकी इसमें गुणा करूंगा बेटा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा मेरा, आप देखो बेटा ऑप्शन नंबर ए 24,000 बन जाएगा। ये 2400 तो है ही, 0 इसके पीछे आ जाएगी, बेटा क्या हुआ ऑप्शन नंबर इसका यानी ए आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बेटा सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 4 देखो बेटा, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, 4 बेटा। अभी सवाल बिल्कुल
बेसिक तरीके सिखा रहा हूँ अभी। मैंने कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कुछ भी ऐसा सिखा दिया एकदम अलग। जब आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, सवालों में ऐसी चीजें सिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। यदि ईंधन तथा बिल पर होने वाला मासिक व्यय का अंतर, बेटा अंतर दे रखा बेटा, मासिक क्या बोल रखा है, मासिक, मासिक का मतलब होता है बेटा महीने का, मासिक व्यय का अंतर है किसका, ईंधन और बिल। बेटा ईंधन कितना, देखो 100% के बराबर है ना ये, तो बेटा ईंधन कितना दे रखा है इसमें 20%, और बिल कितना दे रखा है मेरे बच्चे 8%, दोनों के बीच अंतर कितना है बेटा 12। कितने का अंतर है 12% का, और बेटा 12% जो है ये इसने बोल रखा है यहाँ पर 4800 जो बराबर है ये मासिक है बेटा, मासिक का मतलब महीने का, बेटा 12% के बराबर है क्योंकि अंतर है, और दोनों के परसेंटेज में कितने का अंतर बनना था बेटा 12% का। आप कहोगे भैया यदि हमें इसका 100% निकालना हो, कितना निकालना हो 100% सैलरी निकालनी हो एक महीने की, तो आप बोलोगे बेटा 12 चौक 48, यानी कि बेटा ये 4 बार गया 400 हो गया, और बेटा 400 में यदि मैं 100 में गुणा करूं तो क्या होगा सीधा सीधा 40,000, यानी कि बेटा ये मासिक सैलरी आई है। कौन सी आई है मेरे बच्चे, मासिक सैलरी, यानी कि एक महीने की तनख्वाह। और उसने एक महीने की पूछी है क्या, उसने पूछी है तो घर की वार्षिक आय कितनी होगी, वार्षिक का मतलब बेटा वर्ष, वर्ष में होते हैं 12 महीने, और यदि ये एक महीने की सैलरी है तो बेटा 12 महीने की निकालने के लिए 12 की गुणा करूंगा, और 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 सैलरी हो जाएगी बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी इतनी बात, समझ गए बेटा, 4,80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा, है ना, क्लियर है। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आते हैं बेटा। सवाल बोला गया है यदि कपड़े तथा शिक्षा पर होने वाले मासिक व्यय का अंतर, फिर दोबारा अंतर दिया हुआ बेटा, कपड़े तथा शिक्षा पर बेटा। आप यहां देखो कपड़े कितने हैं बेटा 20%, और शिक्षा कितनी है 14, दोनों के बीच का अंतर कितना परसेंट में 6% के बराबर, और व्यय रुपयों में कितना बेटा 9,000 के बराबर। आप बोलोगे भैया ये 9,000 है और परसेंट 6% बराबर है 9,000 के, तो 1% की वैल्यू यदि मैं निकालता यहां पे तो बेटा ये क्या होता 9,000/6, ये 1% की वैल्यू निकालने के लिए। पर उसने पूछा बेटा मासिक व्यय का, यानी कि मैं पूरे महीने की सैलरी ही निकाल लूं क्या, नहीं बेटा मैं 1% की वैल्यू निकालना है बस, सीधी सीधी 1% की वैल्यू यदि बेटा मैं यहां निकालता हूं, आप बोले भाई कितनी हुई इसकी, भाई 15 छक्का 90, 1500 रुपये आ गए। क्या है बेटा 1% की वैल्यू 1500 के बराबर आई, 1% की वैल्यू। इसने बोला बचत तथा बिल पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर क्या होगा, बेटा दोनों की परसेंट का अंतर निकालूंगा और गुणा कर दूंगा 1500 में, क्योंकि ये रुपयों में ही तो वैल्यू है 1% की, तो 1500 के बराबर है। आप बोलोगे बचत कितनी है, मैं बोलूंगा 10 है, और बेटा बिल कितने का है, बिल है 8 का, दोनों में अंतर कितने का है 2 का, तो बेटा यदि 2% का अंतर है तो दोनों का मासिक व्यय का अंतर क्या आया बेटा 15 × 30, 3,000। क्या उसने मासिक अंतर पूछा है बेटा, उसने बोला बचत तथा बिल पर होने वाला वार्षिक व्यय, बेटा वार्षिक व्यय का अंतर पूछा, यदि एक महीने का 3,000 अंतर है बेटा तो वार्षिक का मतलब क्या 12 महीने, तो 12 महीने में अंतर कितना होगा बेटा 12 × 36, यानी कि 36,000 बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, मैं नई क्लास कल लेकर हाजिर हूंगा, वीडियो यदि अच्छी लगे तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।